सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज असी तुहाडे लई बहुत ही टेस्टी ते लाजवाब कढ़ी पकौड़े की रेसिपी लैके आए हैं। चलो फिर देखते हैं किवें बनाया जाएगा। असी एक बाउल लिया है, उहदे विच अद्धा कप बेसन का पाया है। हुण असी इहदे विच थोड़ा थोड़ा पानी पा के एक इहदा स्मूथ पेस्ट बनावांगे। असी ये पकौड़े लई पहलां बैटर तैयार करांगे। आ देखो जी, साडा बैटर इन्ना गाढ़ा होना चाहिदा है। हुण असी इहनूं 10 तों 15 मिनट लई रैसट ते रख दांगे ताकि बेसन थोड़ा जिहा फुल जावे। हुण असी एक मिक्सी का जार लिया है, उहदे विच एक कप बेसन का पाया है। तो हुण असी इहदे विच 2 कप दही पावांगे। जे तुहाडा दही ज़्यादा खट्टा है तो तुसी 1 कप पाओ, जे तुहाडा दही खट्टा नहीं है तो तुसी 2 तों 3 कप भी इहदे विच पा सकदे हो। तो हुण असी इहनूं मिक्सी दे विच ब्लेंड कर लवांगे। हुण असी एक पैन लिया है, उहदे विच एक वड्डा चमचा सरों का तेल पावांगे। जब साडा तेल गर्म हो जाएगा फिर असी उहदे विच अद्धा चम्मच दाणा मेथी पावांगे, 1 चम्मच असी उहदे विच जीरा पावांगे। जब साडा दाणा मेथी ते जीरा भुन जाएगा फिर असी इहदे विच एक वड्डे साइज़ का प्याज पावांगे बारीक चॉप करके। गैस का फ्लेम असी मीडियम रखना है तो इहनूं चंगी तरह नाल भुनना है। जब साढ़े प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर असी उहदे विच एक चमचा लसन अदरक का पेस्ट पावांगे तो इहनूं भी चंगी तरह नाल भुन लवांगे। हुण असी इहदे विच मसाले पावांगे। सब तो पहला असी इहदे विच 1 चम्मच असी इहदे विच रैड चिली पाउडर पाना है, 1/2 चम्मच असी इहदे विच हल्दी का पाना है, तो 1 वड्डा चम्मच असी इहदे विच धनिया पाउडर पाना है। तो इन्हां नूं चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। हुण जिहड़ा असी बेसन ते दही दा बैटर तैयार कीता सी उह इह पैन दे विच पा देवांगे। तो गैस दा फ्लेम हुण असी हाई कर देना है तो इहनूं कंटिन्यू चलांदे रहांगे। 10 तों 15 मिनट साडी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। जब तक साडी कढ़ी बनदी पई है इहदे विच पकौड़े पाण नूं तैयार कर लैंदे हां। असी जिहड़ा बेसन घोल के रख्या सी उहदे विच हुण असी एक मीडियम साइज़ दा बारीक चॉप कीता प्याज पावांगे, थोड़ा जिहा असी इहदे विच धनिया पावांगे, 2 हरियां मिर्चां पावांगे बारीक कट करके, थोड़ा जिहा असी इहदे विच सॉल्ट पाउणा है, 1 पिंच असी इहदे विच हल्दी पाउणी है, ते थोड़ा जिहा असी इहदे विच जीरा पावांगे, 1/4 चम्मच असी इहदे विच हिंग दा पा देणा है। तो इहनूं इस तरीके नाल मिक्स कर लेना है। हुण असी कढ़ाई दे विच तेल पा लिया है। जब साडा तेल गर्म हो जाएगा फिर स्पून की हैल्प नाल असी इहदे विच पकौड़े पा देवांगे। आ देखो जी इस तरीके नाल। ते जब तक साडे पकौड़े थल्लेओं गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते असी उदों तक इहनूं पलटना नहीं है। गैस असी मीडियम रखनी है। आ देखो जी साडे पकौड़े हुण थल्लेओं गोल्डन ब्राउन हो गए ने। इसी तरह उलटदे पलटदे असी इहनूं गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हुण असी इहनूं एक नैपकिन पेपर ते कढ लवांगे। असी इहनूं मीडियम गैस ते ही बनाउणा है ताकि अंदर तक साडे पकौड़े पक जाण। आ देखो हुण साडी कढ़ी दे विच भी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो हुण असी इहदे विच पकौड़े पा देवांगे ते इहनूं 4 तों 5 मिनट लई होर पका लांगे ताकि साडे पकौड़े भी सॉफ्ट हो जाण। ये बहुत ही टेस्टी ते लाजवाब बनन वाली कढ़ी है। असी बिल्कुल ईजी तरीके नाल तुहाडे लई लैके आए हाँ। आ लो जी सानू 5 मिनट हो गए ने इहनूं कवर कीते ते देखो किन्ना वधिया साडा कढ़ी दा कलर आया है। तो जिन्नी ये देखण च वधिया लग रही है उन्नी खाण च भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। हुण असी इहदे उत्ते एक तड़का पावांगे। उहदे लई असी 1 चमचा तेल पाया है पैन दे विच। जब साडा तेल गर्म हो जाएगा फिर असी उहदे विच 1 छोटा चम्मच काली सरों पाउणी है जिहनूं आपां राई कहिंदे आ। जब साडी राई थोड़ी जी चटक जाएगी फिर असी उहदे विच कढ़ी पत्ता पा देंगे ते 2 असी सुकियां लाल मिर्चां पा देणियां ने। जब साडी लाल मिर्चां थोड़ियां जिहां सॉफ्ट हो जाणगियां फिर असी गैस दा फ्लेम बंद कर देना है ते फिर असी इहदे विच 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर पाउणा है। तो गैस असी बंद करके ही लाल मिर्च पाउडर पाउणा है। जे तुसी चालू गैस च पाओगे तो साडियां मिर्चां जल जाणगियां ते साडा मसाला स्वाद नहीं बनेगा। हुण असी कढ़ी नूं एक बाउल च सर्व करांगे ते जिहड़ा असी मसाला तैयार कीता सी उह इहदे विच पोर कर देवांगे। आ लो जी साडी कढ़ी पकौड़ा बन के तैयार है। जेकर तुहानूं साडी कढ़ी पकौड़ा दी रेसिपी चंगी लगी होवे तां तुसी साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब शेयर जरूर करो।